महिला यात्रियों व राहगीरों के नकदी व गहने चोरी करने वाली हिसार की अंतर्राज्यीय गैंग के सरगना सहित 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस गैंग ने भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, अजमेर, जयपुर, दिल्ली, हरियाणा, यूपी में 100 से ज्यादा वारदातें करना कबूल किया है। इस गैंग को मांडल पुलिस ने दबोचा है। गैंग से एक्सयूवी और गैग तोने व काटने के औजार भी बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सूरत सिंह जी का खेड़ा शाहपुरा निवासी भावर कंवर पत्नी बलवीर सिंह राजपूत ने 13 फरवरी 2022 को मांडल थाने में रिपोर्ट दी कि वह अपने गांव से जीवलिया जाने के लिए मांडल चौराहा पर करेड़ा की बस की इंतजार में बैठी थी। उसके पास ट्रॉली बैग था जिसमें नकदी व ज्वेलरी थी। जीवलिया घर जाकर बैग चेक किया तो उसमें से नकदी व ज्वेलरी नहीं मिली। इस पर मांडल पुलिस ने मामला दर्ज किया। इस वारदात को लेकर राहगीरों के साथ होने वाली लूट चोरी की वारदातों का राजफाश करने के लिए डीएसपी मांडल सुरेंद्र कुमार के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम ने इस मामले में हरियाणा के हिसार जिले के सुरखी गांव निवासी सुनील पुत्र सुरेश कुमार सांसी, धर्मवीर पुत्र बनवारी सांसी, सुरजानी हिसार निवासी सुनील पुत्र तारा सांसी व सूरज भान उर्फ भाना पुत्र फूल सिंह सांसी और सिसाया हिसार निवासी सत्यवान पुत्र रामकिशन सांसी को गिरफ्तार कर एक सीवी बैग काटने के औजार जब्त किए हैं।